कनौजिया, आइए रुख करते हैं खबर की ओर। कन्नौज में आर्थिक तंगी से परेशान एक युवक ने अपने ही अपहरण की योजना बना डाली। युवक ने अपहरण का झूठा नाटक कर दोस्तों से अपहरण के नाम पर 3 लाख रुपए फिरौती मांगी। पुलिस ने योजना बनाकर अपहरण की इस झूठी कहानी का पर्दाफाश कर दिया। कन्नौज के सदर कोतवाली क्षेत्र के मामा भोले गाँव के कामता प्रसाद का पुत्र ओमकार 2 दिन पहले लापता हो गया। उनके पैरों तले जमीन तक खिसक गई जब उन्हें पता चला कि बेटे का फिरौती के लिए अपहरण किया गया है। परेशान कामता प्रसाद ने सारी बात एसपी प्रशांत वर्मा को बताई। एसपी ने स्पेशल टीम को मामले में खुलासे में लगाया। जांच में जुटी टीम को अपहरण कुछ संदिग्ध लगा। जब मामले की परत दर परत खुली तो अपहरण का झूठ सामने आ गया। एसपी का कहना है कि कर्ज से परेशान ओमकार ने खुद ही अपने कथित अपहरण की साजिश रची थी। पुलिस ने फिरौती के लिए दिए गए रुपए व ओमकार सहित उसके दोस्तों को भी गिरफ्तार किया। उमतन कोई नातेदार कोई नहीं कहीं पे खेत बेच रहे पैसा 70,000 रुपया घर में पत्नी मांग रही थी। मनोज 8 हैं 10 हैं 15 दिन जब गाड़ी देती हैं तब तब कहती हैं। ओमकार ने जो अपहरण की कहानी रची थी इसमें तुमने क्या सहयोग किया इसका? हमने सहयोग किया, इन्हें उन्होंने फ़ोन किया मेरे पास कि भैया हम ऐसी ऐसी जगह हैं, आप हमारे भाई से पैसे बात करा दो, पैसे भाई से ले लो, अब आप आ जाइए, हम यहाँ पे हैं। वो पकड़ के चक्कर में पड़े हैं, पकड़ हमारे पीछे पड़ी, हमें लोग पकड़े हुए हैं। अब एक आदमी पैसा लेगा, वो पैसा उसको दे देना, हम चले आएंगे। पैसा लेने तुमसे कौन आया? पैसा लेने कोई नहीं आया। जब इनके पास हम पहुँचे तो इन्होंने क्या ड्रामा किया हमने, तो इन्होंने किया आप बैठार के ले चलो हमको, तो हम अब ये दोनों लोग बैठार के लाए इनको, बैठार को ईदगाह पे छोड़ दिया इन्होंने कहा छोड़ दो, पैसा इनको दिया नहीं हमने, पैसा अपने घर में रख लिया। तो इनको छोड़ा कैसे, तुमने बांध बांध के डाला था क्या? हाँ, इनने रस्सी बांधी थी मोटरसाइकिल पर खड़े थे। तो रस्सी बांध के इनको डाला? इन्हें कही कि पीछे हाथ बांध दो, कि हम पड़े रहें। फिर उसके बाद फिर तुम घर चले गए, फिर क्या किया? घर ही चले गए, हम कुछ नहीं साहब, हम अपने घर गए। पुलिस की गिरफ्त में कैसे आए? दुकान पर पहुँचे, हमारी दुकान है सर। जनपद कन्नौज में थाना कोतवाली क्षेत्र के गांव मामा भोले के रहने वाले ओमकार पुत्र कामता प्रसाद के अपहरण की सूचना मिली थी। इस संबंध में पुलिस ने गंभीरतापूर्वक तुरंत टीमें गठित की और इनकी तलाश में जुट गई। तलाश के पश्चात आज जो अपहृत युवक था उसको वो मिल गया है और इसके साथ ही उसके 2 अन्य साथी भी मिल गए हैं। जानकारी करने पर आया कि उस युवक ने अपने अपहरण का ये जो पूरा था ये झूठी कहानी रची थी। वो आर्थिक तंगी में फंसा हुआ था जिस कारण अपने घर वालों से पैसे निकालने के उद्देश्य से उसने ये अपहरण की साजिश रची थी और इसी क्रम में उसने 3 लाख रुपये अपने घर वालों के अपने दोस्त के माध्यम से वसूले। इसमें उस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके साथ जो साजिश में जो साजिश करता था उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जो 3 लाख जो कथित अपहरण की जो फिरौती थी वो पूरे रकम उसके दोस्त के घर से बरामद कर ली गई है और इस प्रकार ये जो अपहरण का जो एक झूठी कहानी थी इसका पटाक्षेप हुआ है। जैसा कि उसने बताया कि उसका आर्थिक कारणों की वजह से दाम्पत्य जीवन भी सही नहीं चल रहा था और कुछ कर्ज में डूबा हुआ था जिस वजह से उसने ये कदम उठाया है।